दोस्तों, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम बीमार पड़ते हैं और बगैर डॉक्टर के पास जाए ही हम लोग ठीक हो जाते हैं। मेरा सवाल यह है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो बगैर डॉक्टर के पास जाए हम लोग ठीक कैसे हो जाते हैं? ऐसा क्या होता है हमारे शरीर में कि जिसकी वजह से हम अपने आप ठीक हो जाते हैं? दोस्तों, हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये कोशिकाएं हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। जब कोई फॉरेन मटेरियल हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो ये प्रतिरक्षी कोशिकाएं एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करती है और इसी विशेष प्रकार की प्रोटीन को एंटीबॉडी कहा जाता है। और यही एंटीबॉडीज जो है हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा करती है और यही कारण है कि हम डॉक्टर के पास जाए बगैर भी ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, एंटीबॉडी की संरचना एवं कार्य। दोस्तों, मनुष्य जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण में उसके चारों ओर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अगर आप देखें तो जिस वातावरण में रहता है उसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोवा, कवक और भी दूसरे प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वातावरण में डस्ट पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की गैसेस पाई जाती है। इनमें से जब ये चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, डस्ट हो या केमिकल्स हो, जब मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो मनुष्य के शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ऐसे सभी कारक जो मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद हानिकारक प्रभाव डालते हैं एंटीजन कहलाते हैं। एंटीजन कहलाते हैं। जब ये एंटीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है तब इस एंटीजन से लड़ने के लिए हमारे शरीर में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी कोशिकाएं इम्यून सेल एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करती है। इस प्रोटीन को इम्यूनो नो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कहा जाता है, प्रोटीन, या इसे हम एंटीबॉडी भी कहते हैं, प्रतिरक्षी भी कहते हैं। और यही प्रतिरक्षी हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा करती है। अर्थात एंटीजन की सक्रियता के कारण प्रतिरक्षी कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होने वाली प्रोटीन को ही एंटीबॉडी कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जब कोई एंटीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है और इम्यून सिस्टम में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं, इम्यून सेल्स है, वो सक्रिय हो जाती है। इनमें मुख्य रूप से होती है बी लिम्फोसाइट कोशिका और इस बी लिम्फोसाइट कोशिका के द्वारा एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाता है जिसको एंटीबॉडी कहते हैं। ये एंटीबॉडी जो है हमारे ब्लड सीरम तथा टिश्यू फ्लूड में पाई जाती है। इसके अलावा कुछ एंटीजन ऐसी होती है, एंटीबॉडी ऐसी होती है जो बी लिम्फोसाइट सेल की सतह पर पाई जाती है तथा प्रवेश करने वाले एंटीजन के लिए रिसेप्टर का कार्य करती है, ग्राही का कार्य करती है। वहीं पर कुछ एंटीबॉडी ऐसी होती है जो रक्त व लसिका में स्वतंत्र रूप से घूमती रहती है और हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करने का कार्य करती है। चलिए तो देखते हैं एंटीबॉडी की संरचना, कि एंटीबॉडी की संरचना क्या होती है। जैसा कि हमने बात किया कि एंटीबॉडी एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है और जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि जो प्रोटीन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी है। ठीक उसी प्रकार से एंटीबॉडी भी किससे मिलकर बनी है? पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी है। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो चार पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं जो दो जोड़ी के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अगर देखें तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वाय आकार में व्यवस्थित है और इन पॉलीपेप्टाइड चेन में से एक जोड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन आकार में बड़ी है। इस चेन को एच चेन कहा जाता हैवी चेन कहा जाता है। वहीं पर दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है आकार में छोटी है तथा वेट में लो वेट की है। इस चेन को एल चेन या लाइट चेन कहा जाता है। एक एमिनो एसिड एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। यहां पर क्या बात ध्यान में रखना कि जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, भाई हमने क्या पढ़ा, एंटीबॉडी किससे, एंटीबॉडी क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। प्रोटीन किससे मिलकर बनी है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से। और यहां पर कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला? चार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक दूसरे के साथ जो है वो किससे जुड़ी हुई है? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है। एक अगर मान के चलिए हैवी चेन की हम बात करें
तो ये लगभग 450 से लेकर 500 एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है तथा इसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 5000 डाल्टन के करीब करीब होता है तथा इसमें विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, विशिष्ट प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है जैसे कि IgG, IgA, IgD, IgM, IgE। इन प्रोटीन के आधार पर हम एंटीबॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। एंटीबॉडी इस आधार पर पांच प्रकार की होती है, इन्हीं पांचों के नाम के आधार पर जैसे कि IgG, IgA, IgD, IgM और IgE। इस पर हम विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो छोटे आकार की चेन होती है जिसको लाइट चेन कहा जाता है, लाइट चेन लगभग 200 से लेकर 220 एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है तथा जिसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 25000 डाल्टन होता है। इसमें भी दो श्रृंखलाएं पाई जाती है, लेमडा और कप्पा। दोस्तों अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो जनरली प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के दो सिरे होते हैं। इसमें से एक सिरा जो है कार्बोक्सी टर्मिनल साइट कहलाता है या जिसको हम सी साइट कहते हैं, वहीं पर दूसरा सिरा जो है एन सिरा कहलाता है जिस ओर एमिनो एसिड उपस्थित होती है, जिस ओर कहना चाहिए एमिनो ग्रुप समूह उपस्थित होता है उसको हम एन साइट सिरा कहते हैं। दोस्तों यहां पर एक बात और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है इसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। दो भाग कौन कौन से? सबसे पहला ये जो भाग होता है वो है कॉन्स्टेंट रीजन, स्थाई भाग। स्थाई भाग वह भाग होता है, स्थाई भाग एंटीबॉडी का वह भाग होता है जहां पर पाए जाने वाले एमिनो एसिड प्रत्येक एंटीबॉडी में ये निश्चित होते हैं, इस कारण से इस रीजन को कॉन्स्टेंट रीजन कहा जाता है। वहीं पर दूसरी ओर अगर हम बात करें इसका जो दूसरा भाग होता है, दूसरा भाग वेरिएबल रीजन कहलाता है क्योंकि हर एंटीबॉडी में ये यहां पर पाए जाने वाले एमिनो एसिड अलग अलग होते हैं, इस कारण से हम इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल रीजन कहा जाता है। ये दोनों ही रीजन लाइट चेन तथा हैवी चेन दोनों में पाए जाते हैं। एक और बात जो महत्वपूर्ण है, इनका जो वेरिएबल रीजन होता है इस वेरिएबल रीजन में एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर ये अलग आकार में बनाया गया है, ये है एंटीजन बाइंडिंग साइट और इसी एंटीजन बाइंडिंग साइट से आकर एंटीजन जुड़ते हैं। प्रत्येक एंटीबॉडी में डिफरेंट टाइप का एंटीजन बाइंडिंग साइट पाया जाता है, अर्थात एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एक पर्टिकुलर एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं कि एंटीबॉडी के कार्य क्या क्या होते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर के अंदर हानिकारक प्रभाव डालने के लिए जो एंटीजन प्रवेश करते हैं वो काफी शक्तिशाली होते हैं और उन्हीं की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। जब एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तब ऐसी अवस्था में वह कारक विजयी होता है जो शक्तिशाली होता है। अगर एंटीजन शक्तिशाली हुआ तब एंटीबॉडी निष्क्रिय हो जाता है और एंटीबॉडी शक्तिशाली हुआ तो एंटीजन निष्क्रिय हो जाता है और हमारे शरीर को सुरक्षा मिलती है। तो सबसे पहला कार्य एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को संपन्न कराना एंटीबॉडी का पहला कार्य है। दूसरा यह शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है कि आपातकालीन संकट की स्थिति में सामना करने के लिए हमारे शरीर को तैयार करता है। चौथा कार्य की अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा करने का कार्य इन एंटीबॉडीज का होता है। एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर थर्ड लाइन डिफेंस का कार्य करती है, तृतीय पंक्ति की सुरक्षा कवच का कार्य एंटीबॉडी के द्वारा किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलें तथा इसे लाइक जरूर कर दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।